मेरे इंस्टा पेजेस में नहीं, सिर्फ लक्षर में तो नहीं हूँ, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हाँ, क्योंकि आजकल मैं उतना समय बिताता हूँ उनके साथ, इतना समय बिताता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स निकल आते हैं जो आप चाहते हैं कि आप सेव कर दें, द बेस्ट वे टू सेव इट इज़ सेव इट ऑनलाइन, और कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों से, एंड इट्स अ हैप्पी पार्ट ऑफ माई लाइफ, जहाँ मतलब मैं एक्साइटेड रहता हूँ, खुश रहता हूँ, बहुत चार्ज रहता हूँ, बहुत प्राउड रहता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा पोस्ट करता हूँ उनके बारे में। शांत भी नहीं है, ज़्यादा नॉटी भी नहीं है, ही इज़ लाइक अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ, एक्टिव है बहुत बहुत, मतलब खेलता रहता है, दिन भर खेलता रहता है, तो खुश रहता है, बहुत इन्वॉल्व रहता है हर चीज़ में, और बहुत सारी चीज़ें करता है, मतलब वो किसी एक चीज़ में अटक नहीं जाता, वो थोड़ा रेस्टलेस है, वो इस टॉय के साथ खेलेगा, फिर उसके साथ खेलेगा, फिर ड्राइंग करना शुरू कर देगा, फिर भागना शुरू कर देगा, फिर बॉल उठाएगा, तो वो काफ़ी मस्ती वाला, काफ़ी इंटरएक्टिव और काफ़ी एक्टिव बच्चा है। हमारा घर बहुत शांत रहता था पहले, लेकिन अब लक्ष्य के आने के बाद पूरा घर उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में, मतलब दिन भर वही चहल पहल रहती है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा कैसा है, और सो रहा है या फिर खा रहा है या फिर खेल रहा है या फिर बाहर गया है, तो सब उसी का, मतलब ही इज़ लाइक द जो एक न्यूज़ बुलेटिन हमारे घर का जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसे बहुत पसंद है कार्टून्स और नर्सरी रैम्स देखना टीवी पर, लेकिन वो ज़्यादा हम अलाउ नहीं करते उसे देखना, और इतना नहीं पसंद है कि वो रोना लगे, उसे पता है कि वो जितना देखेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है, उसके बाद वो मतलब ऑफ कर देते हैं। इसी उम्र में काफ़ी मैच्योर हम बोल सकते हैं उसे, या वो, हाँ वो काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी मतलब समझ जाता है कि, थोड़ा ज़िद्दी तो है लेकिन टीवी को लेकर कभी नहीं, मतलब इस उम्र में 2 साल का होने वाला है तो थोड़ा मतलब ज़िद्दीपन आ जाता है उनके अंदर नॉर्मली, मतलब उन्हें किसी और का खिलौना चाहिए या फिर वो ही चाहिए जो उन्होंने देखा है, या फिर घर नहीं जाना है या फिर घर वापस जाना है, कि उन्होंने मुझे यही चाहिए और वो आपको लेके देना पड़ा वो लास्ट में वो इंसिडेंट से। हाँ वो रोज़ मतलब बाकी बच्चों के अगर कोई टॉयज़ हो या बॉल्स हो, बोलता है कि नहीं मेरे को वो चाहिए, वो उसका खेलना है, तो कभी कभी वो बच्चा नहीं दे रहा होता तो वो जाके खींचने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश, मतलब झगड़ालू तो नहीं है लेकिन उन्हें मतलब इस उम्र में मतलब जो चाहिए वो चाहिए कि चाहिए, तो कभी कभी मुझे रिक्वेस्ट करके 2 मिनट के लिए वो बॉल देना पड़ता है या वो टॉय देना पड़ता है, फिर वो चुप हो जाता है, रोता नहीं है लेकिन वो ज़िद करता है। नहीं सर, ये बोल सकते हैं कि तुषार कपूर को भी अपने बेटे के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है दूसरों से। जी ऑफ कोर्स, रोज़ पार्क्स में तो यही करना पड़ता है कि कैसे वो उनकी निगोसिएशन झगड़े में ना, मतलब इवेंचुअली झगड़ा नहीं हो जाए किसी बच्चे के साथ, या फिर वो छीनने न लगे या फिर किसी को अपसेट ना करें। कभी कभी मैं मतलब उसे मना भी कर देता हूँ कि नहीं, यू कान हैव दिस, जैसे आपका नहीं है, उन्होंने नो बोला है, देखो बच्चा नो बोल रहा है, तो वो समझ जाता है फिर। ड्राइंग कितना पसंद है, नॉर्मली बच्चे दीवारों पे ड्राइंग करना चालू कर देते हैं 2 से 2.5 साल की उम्र में, उसे पसंद है कलरिंग क्रेयॉन्स के साथ स्क्रिबल करना पसंद है, लेकिन मैं पेपर देता हूँ उसे, पेपर भी कर लेता है, अभी तक दीवारों पर मतलब उसने करना शुरू किया नहीं है, कभी कभी हाँ वो अगर सोफ़ा हो तो सोफे पे कभी कभी कर लेगा, या फिर टेबल पे अगर पेपर रखा हो तो टेबल पे कर लेगा, लेकिन कभी दीवारों पे करता नहीं है। जिम्स के भी पिक्चर्स काफ़ी देखे आपसे, देखा जाए तो फिर लक्ष्य के साथ में रिसेंट स्पॉटेड भी हुए थे प्ले जिम में। हाँ प्ले जिम में, तो क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब एक अच्छा मौका मिलता है उसे, मतलब एंटरटेन कराने का, जहाँ हम जाते हैं एक प्ले जिम है बांद्रा में, जहाँ मतलब बच्चे क्लाइंबिंग, टम्बलिंग, समरसॉल्ट्स और बॉल पूल में खेलना, या हो हैंगिंग होना हो, या फिर स्विंग में स्विंग करना हो, बहुत सारी मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ उनके मतलब मोटर स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, और उन्हें मतलब इंजॉय करा के मतलब उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो अच्छा लगता है उसे इतना एक्टिव देखते हुए वहाँ पर, क्योंकि उसे मज़ा आता है, दूसरे बच्चों के साथ वो मतलब घुल मिल भी जाता है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं तो शेयरिंग सीखते हैं वो, मतलब टीम वर्क कैसा, मतलब टीम, एक टीम में साथ कैसे खेला जा सकता है, या फिर कभी कभी उनकी उनके लिए गाने भी बजाए जाते हैं जिन पर उन्हें मतलब उनके साथ डांस किया जाता है, गेम्स खेलते हैं वो, तो बहुत एक्टिव हो जाता है, उनका मन खुश रहता है, और फिर जाकर मतलब घर में अच्छी नींद आती है उन्हें। कभी जितनी सर से ऐसी डांट पड़ी आपकी कि तू भी बचपन में ऐसा ही था?
नहीं नहीं उनको भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं मैं बचपन में कैसा था। मेरी मॉम को याद रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत डिफरेंस है आजकल के बच्चों में और उस ज़माने के बच्चों में। आजकल इतनी एक्सपोजर देख लेते हैं बच्चे, तो वो ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। 2 साल की उम्र में ही वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेते हैं, चाहे वो बोल पाए या ना पाए, लेकिन वो उन्हें मतलब एक एक इंडिपेंडेंस आ जाती है उनके अंदर, एक एक उनकी एक डिसीजन हो, मतलब डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है इतनी जल्दी, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने मतलब एक्सपोज होते हैं। सो देर इज़ नो कंपेरिजन विद मी एंड हिम, बिकॉज़ वो ज़माना ही अलग था, लेकिन हम एक दूसरे की तरह बहुत दिखते हैं। वो मेरे पेरेंट्स बोलते रहते कि सेम दिखता था, वो दिखता है जैसे मैं दिखता था उस टाइम पे। ये कॉम्प्लीमेंट ही आपके लिए देखा जाए तो यंग बोल सकते थैंक यू। या आई वुड से हैं। ओके सर, देखा जाए तो फिर जैसे कभी बॉलीवुड में चला आ रहा है एक्टर का बेटा एक्टर, तो क्या लक्ष्य को भी एक्टर ही बनाना है कि कुछ और? आपके आई माइंड हैव में क्या है नो अभी आइडिया क्या बनना चाहेगा वो। आई कि होप उस पे छोड़ देंगे कि जो बनना है उस पे ही उसमें छोड़ बन? दूंगा। मुझे खुशी होगी अगर वो कुछ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी करना चाहे तो खुशी होगी। उसको सिर्फ क्लियर होना चाहिए, उन्हें उसे मतलब श्योर होना चाहिए कि मुझे यही करना है, और उसके अंदर एक जुनून, एक फायर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्या करना चाहेगा क्या नहीं करना चाहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि लक्ष्य को पूरा फ्री छोड़ देंगे, आगे चल के जो उसे बिल्कुल भी। बनना आई वुड है लव टू हिम फॉर हिम टू बी उसके अ फ्री लायक के लिए थिंकर। देखा जाए तो। येस आई वुड लव फॉर हिम टू बी समथिंग, समवन हु थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, हु इज़ इन टच विथ हिज इनर वॉइस। वो किसी सेट पैटर्न में मैं नहीं चाहूँगा उसे डालने, मैं उसे किसी सेट पैटर्न में नहीं डालना चाहूँगा जहाँ सिर्फ पढ़ाई करे या फिर पढ़ाई के बाद सिर्फ एक्टिंग करे या कुछ ऐसा ही करे। कुछ ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए जहाँ मतलब उसका मतलब उसकी इच्छा होगी, जितना वो पढ़ना चाहेगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहेगा, मैं चाहूँगा कि वो खुद डिसाइड करे और खुद अपने आप को ढूंढे और अपने आप को ढूंढ पाए। अच्छा, काफ़ी फिट भी लग रहे देखा जाए तो। फिर क्या फिटनेस मंत्रा क्या है? फिटनेस मंत्रा का थोड़ा आई एम जस्ट रेगुलर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फिट, बट मैं सिर्फ रेगुलर हूँ। मैं अपने आप को इतना फिट नहीं मानता, मैं हमेशा अपने आप को मतलब और वेट लूज़ करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू नेवर टू थिन। सो ऐसा कोई मंत्र तो है नहीं, बट आई डू फंक्शनल ट्रेनिंग, आई डू अ लॉट ऑफ इंटेंस फंक्शनल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एंड कार्डियो भी बहुत करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ। तो दैट इज़ माई फिटनेस मंत्र, आपकी रेगुलर मूवीज, बींग रेगुलर विद द वर्कआउट्स। आपकी मूवीज के बारे में बात करो तो काफ़ी चूसी लगते हैं देखा जाए तो। मूवी को लेकर काफ़ी अच्छी मूवी से चूज करते हैं, तो अभी क्या आने वाला, क्या कुछ है देखा अभी जाए तो? फिर और अनाउंस किस तरह की मूवी करना चाहेंगे? ऐसा कोई स्पेशल जॉनर तो नहीं है, बट आई वुड लव टू डू समथिंग आउटसाइड द कॉमिक जॉनर अभी, क्योंकि बहुत सारी कॉमेडी फिल्में कर ली, अभी उसके अलावा भी कुछ करना चाहूँगा। तो डिसाइड नहीं किया अभी, कुछ अनाउंस करने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ है नहीं बोलने के लिए, लेकिन डेफिनेटली एक वेब शो के लिए मैंने हाँ बोला है, तो उसके बारे में डेफिनेटली ज़्यादा बात कर पाऊँगा जब पेपर पर साइन कर लूँ, जब पूरा अच्छा, किस तरह का वेब कंफर्म शो हो होने जाए। वाले हैं थोड़ा बहुत? दैट इज़ गोइंग टू बी इन द कॉमिक स्पेस। एज फार एज द मूवीज़ आर कंसर्न, जहाँ मूवीज़ का सवाल है, वो अभी तक मैंने डिसाइड किया नहीं है, लेकिन आई वुड वॉन्ट टू डू समथिंग आउटसाइड कॉमेडी, बट जो मैंने वेब शो की बात की थी वो एक कॉमिक बेस्ड शो है। अच्छा, वेब शो के बारे में जानना चाहूँगा कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया मैसेज कन्वे करने के लिए देखा जाए तो। फिर और कहीं ना कहीं इस वजह से मूवीज़ भी अच्छी बन रही है, क्योंकि अच्छी मूवी फिट रही देखा जाए तो। जो स्टोरी नहीं है, कंटेंट नहीं है, मूवी फिट जा रही है बिकॉज ऑफ दिस, हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली लोगों के पास अभी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं एंटरटेनमेंट को ऑप्शंस लेकर, हैं। ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई फिल्म अच्छी नहीं होगी तो शायद वो घर पर बैठकर टीवी देख लेंगे या पर नेट पर चले जाएंगे और कुछ वेब शो देख लेंगे। तो आप उनको चीट नहीं कर सकते अभी, पहले के जैसा नहीं रहा। जब एक ही एंटरटेनमेंट का ज़रिया था लोगों के पास, तो फिल्म अच्छी हो या ना हो लोग जाते थे देखने। अब लोग अच्छी फिल्म का सुनेंगे, अच्छी फिल्म के बारे में सुनते हैं तो जाकर पैसा खर्च करते हैं फिल्म देखने के लिए। तो आई थिंक यू हैव टू टर्न आउट गुड स्टफ़, एंड अगर फिल्म अच्छी होगी तो लोग डेफिनेटली जाएंगे। वो एक अपनी ऑडियंस है हिंदी फिल्मों की डेफिनेटली, जो फिल्में देखेगी, लेकिन अभी आपको मतलब उनको उनका पैसा वसूल कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा अभी लोगों के पास ऑप्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अच्छा, जो ये वेब सीरीज है वो एक बालाजी से रिलेटेड होगा कि हटके है थोड़ा? जिसके जिसके ज़रिए ऑफ़र आया है वो तो ऑल बालाजी की नहीं है, लेकिन मे बी अच्छा, इट कम्स ऑन ऑल बालाजी, मे बी नॉट, देखते हैं। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू। क्या 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 कहेंगे फैंस को पहले? आई वुड जस्ट आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर लविंग गोलमाल अगेन सो मच, कीप वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड स्टे हैप्पी, स्टे कूल एंड स्टे पॉजिटिव।